क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने प्रूव करना है साइन ऑफ एन प्लस वन एक्स प्रोडक्ट विथ साइन ऑफ एन प्लस टू एक्स प्लस कॉस ऑफ एन प्लस वन एक्स प्रोडक्ट विथ कॉस ऑफ एन प्लस टू एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होगा। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी गई है और हमसे कहा गया है कि हमने इसको सॉल्व करके दिखाना है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन हमको प्रूव करने के लिए दी गई है इसके लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में है साइन ऑफ एन प्लस वन एक्स प्रोडक्ट विथ साइन ऑफ एन प्लस टू एक्स प्लस कॉस ऑफ एन प्लस वन एक्स प्रोडक्ट विथ कॉस ऑफ एन प्लस टू एक्स। चलिए अब हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। हम इस बार वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं और इस पहले वाले टर्म को इसके बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास में आएगा कॉस ऑफ एन प्लस वन एक्स प्रोडक्ट विथ कॉस ऑफ एन प्लस टू एक्स प्लस साइन ऑफ एन प्लस वन एक्स प्रोडक्ट विथ साइन ऑफ एन प्लस टू एक्स। चलिए अब हम एन प्लस वन एक्स को ए सपोज कर लेते हैं एंड एन प्लस टू एक्स को बी सपोज कर देते हैं। लिखते हैं लेट एन प्लस वन एक्स इज इक्वल टू ए एंड एन प्लस टू एक्स इज इक्वल टू बी। चलिए हम इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और यहां पर जो हमने एन प्लस वन एक्स इज इक्वल टू ए एंड एन प्लस टू एक्स इज इक्वल टू बी सपोज किया है, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप कर देते हैं, लिख भी देते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए हम इस फर्स्ट इक्वेशन में जहां जहां पर भी एन प्लस वन एक्स है वहां पर ए पुट अप कर लेते हैं और जहां जहां पर भी एन प्लस टू एक्स है वहां पर बी पुट अप कर लेते हैं। तब हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो हमने इस फर्स्ट इक्वेशन में जहां जहां पर भी एन प्लस वन एक्स था एन प्लस वन एक्स था वहां पर हमने ए पुट अप किया और जहां जहां पर भी एन प्लस टू एक्स था एन प्लस टू एक्स था वहां पर हमने बी पुट अप किया। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन तब बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। चलिए अब हम एक मामला लिखते हैं जिसकी हेल्प से क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला है कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस वाई। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास में कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई होगा तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस वाई। अब अगर हम इस फॉर्मूले में सभी एक्स की जगह पर सभी एक्स की जगह पर ए पुट अप कर दें और सभी वाई की जगह पर सभी वाई की जगह पर बी पुट अप कर दें तो हमारे पास में आएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूले में सभी एक्स की जगह पर ए को पुट अप करके और सभी वाई की जगह पर बी को पुट अप करके हम कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी को लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कॉस को यहां पर एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। अब इस ब्रैकेट के भीतर है ए माइनस बी और हमने एन प्लस वन एक्स को ए सपोज किया था तो हम इस ए की जगह पर एन प्लस वन एक्स लिख सकते हैं। तो हम ब्रैकेट के भीतर ए की जगह पर लिखेंगे एन प्लस वन एक्स, आगे माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं। फिर है बी और हमने एन प्लस टू एक्स को बी सपोज किया था इसलिए हम बी की जगह पर एन प्लस टू एक्स लिख सकते हैं। तो हम बी की जगह पर लिखेंगे एन प्लस टू एक्स, ठीक है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कॉस को यहां पर एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं, मिडिल ब्रैकेट को भी एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। अब इस ब्रैकेट के भीतर यहां पर दो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, हम इनको ओपन करेंगे। तो जब इस पहले स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एक्स से ब्रैकेट के भीतर मल्टीप्लाई करेंगे तो एन एक्स जाएगा एन एक्स प्लस वन एक्स जाएगा एक्स। अब जब हम इस दूसरे स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के भीतर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट के बाहर एक्स भी है तो ब्रैकेट के भीतर एक्स से भी मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस एन क्या हो जाएगा माइनस एन, माइनस एन से
x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस एम एक्स, माइनस प्लस टू जमा जाएगा माइनस टू, माइनस टू से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस टू एक्स। अब प्लस एन एक्स से माइनस एन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस x माइनस टू एक्स बन जाएगा माइनस एक्स, तो ये आएगा कॉस ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें पता है कि कॉस ऑफ माइनस एक्स होता है कॉस एक्स। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी आपने याद रखना है, कॉस ऑफ माइनस एक्स होता है कॉस एक्स। तो यहां पर आ गया राइट हैंड साइड, तो जो इक्वेशन हमको प्रूफ करने के लिए दी गई थी उसके राइट हैंड साइड को यहां पर हमने ऑब्टेन करके निकाल लिया। लेफ्ट हैंड साइड दिया था हमने, सॉल्व किया, राइट हैंड साइड निकाल लिया। अब हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन हमको प्रूफ करने के लिए दी गई थी उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसलिए जो इक्वेशन हमको प्रूफ करने के लिए दी गई थी वो प्रूव हो गई, हेंस प्रूव्ड।